ये फैमिली वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल मिस्टर मिसेस प्रशुंत। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो गाइस फाइनली अब बारी है हमारे घर जाने की और सचिन भाई को अलविदा कहने की। तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है इस ब्लॉग में, बट एक तरफ खुशी भी है घर जाने की, बट उनसे जुदा होने का गम भी है। मामी कैसे करती है दप्पा, कैसे करती है मामी। तो गाइस अब सामान भी उतर चुका है, बाकी कर रहे हैं बस का इंतजार। भाभी भी बस आ गई यार, तब से झूठ बोले जा रहे बस आ गई करके दो तीन बार ऐसे डरवा दी। ताकि हमारे प्यारे भाई सचिन मामू, ओ प्यारे सचिन मामू, सचिन मामू, ओ प्यारे मामू। तो गाइस फाइनली हमें बस मिल गई और यहाँ से 40 मिनट लगेगा, हम पहुँच जाएंगे अपने घर पे। हम लोग जाते वक्त इतना हौच पौच हो गई, मैं सूट ही नहीं कर पाया, बट तो गाइस फाइनली पहुँच गए घर पे। चला जाए ऊपर, चलो तितली ऐसे देख रही है, ऐसे देख रही है। तो गाइस यहाँ पर देखिए, सारा सामान निकला, यानी घर की चल रही साफ सफाई। वहाँ से तो आ चुके हैं, बट अभी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा रिफ्रेशमेंट लग रहा है। और ये जो रिफ्रेशमेंट जब मेरे चेहरे पे झलक रही है, उसका आज आप लोगों को मैं राज बताने वाली। तो गाइज मेरे बेस्टी के द्वारा शेयर की ये एक बहुत ही अच्छा ऐप है, जो कि है क्योर स्किन ऐप। तो गाइज क्योर स्किन ऐप से एकदम पर्सनली मैंने देखा कि विजिबली रिजल्ट है, मतलब चेहरे पे वो साफ झलकता है जो रिजल्ट है ना इसका, जो मतलब आफ्टर मैं 2 मंथ्स से मैं ये प्रोडक्ट्स इनके यूज़ कर रही हूँ, और इनके लगाने के बाद ये प्रोडक्ट्स मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आ रहे हैं, मैं खुद पर्सनली एक्सपीरियंस कर रही हूँ। साथ ही मेरे जो मतलब घर में रहते हैं मेरी इन लॉज, वो भी मतलब पूछ रहे हैं कि भाई क्या लगा रही हो कि थोड़ा इतना तुम्हारे चेहरे पे जो शाइन है ना वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो सोचे क्यों ना आज आप लोगों से भी मैं शेयर करूँ कि मैं क्या लगा रही हूँ और कैसे कैसे लगा रही हूँ। क्योर स्किन के बारे में बेसिकली मुझे अपने एक फ्रेंड से पता चला, जो कि उसने बताया कि ये यूज़ करके देख। वैसे तो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए, काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स भी यूज़ किए, बट जो मनचाहा रिजल्ट था वो मुझे नहीं मिल रहा था। तो चलो एक मैंने सोचा कि चलो ये बोल रही है तो एक बार क्यों ना ये भी ट्राई करके देखूँ, इतना सारा ट्राई किया, एक और ट्राई करने में क्या ही जाता है। बट जब यूज़ करने लगी सिंस 2 मंथ्स, तो जो रिज़ल्ट आया ना मैं बता नहीं सकती, काफ़ी शॉकिंग है, काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल जब उसने बताया कि एक ऐप है क्योर स्किन ऐप, मैंने फटाफट से जाके प्ले स्टोर से क्योर स्किन ऐप पहले डाउनलोड किया। उसके बाद वहाँ पे लैंग्वेजेस आते हैं बहुत सारे, आप अपने प्रेफर्ड लैंग्वेज से हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, जो भी है अपना इंग्लिश, तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश चूज़ किया। उसके बाद साइन इन किया जैसे साइन इन किया जाता है। उसके बाद खास बस ये है कि ये यूनिसेक्स है, मेल फीमेल दोनों आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने अपना फीमेल वाला स्किन डाला। साइन इन करने के बाद ही तुरंत ये इसके बाद ये लोग पूछते हैं कि आपका गोल क्या है, मतलब आप क्या चाहते हो, मतलब सुंदर दिखना चाहते हैं या फिर अपने जो कुछ मतलब आपके स्किन में कुछ खराबी सी हो गई या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया या फिर कुछ रिएक्शन हो गया तो उसको क्योर करना चाहते हो, मतलब क्या चाहते हो, बेटर हेल्दी स्किन चाहते हो, कैसे चाहते हो। मैंने यहाँ पे जाके चूज़ किया बेटर हेल्दियर स्किन, मतलब जो मेरा स्किन है उससे और ज़्यादा बेटर हो, हेल्दी हो, मतलब स्वस्थ हो, ये नहीं कि बस दिखने में शाइन करे। तो मैंने हेल्दी स्किन को चूज़। एंड साथ ही यहाँ पे आप लोग लाइव डर्माटोलॉजिस्ट के साथ चैट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे चैट किया है, देख सकते हैं अपना जो सारा स्किन प्रॉब्लम्स था, जैसे कि मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा है। मैं बाबू होने के बाद मुझे रात को एक्चुअली नींद नहीं आती थी, और होने के बाद भी और होने से पहले भी, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी इसके कारण बहुत ज़्यादा यहाँ पे डार्क सर्कल्स जैसे हो गए थे। तो डर्माटोलॉजिस्ट के साथ मैंने पूरा चैट किया, अपनी प्रॉब्लम्स बताए, उन्होंने बहुत सारे और भी क्वेश्चंस पूछे अपने तरफ से, सारे का जवाब मैंने दिया। और चैट करने के बाद डॉक्टर जो है वो फोटोज़ मांगते हैं, जैसे कि अपना चेहरे का फ्रंट से और साइड से। तो मैंने अपना देख सकते हैं कि साइड में अपना फ़ोटो क्लिक करके सेंड किया, डॉक्टर ने उसको एनालिसिस किया कि मेरे चेहरे पे कहाँ डार्क स्पॉट्स है या फिर डार्क सर्कल्स है या फिर जो भी प्रॉब्लम है उसको एनालिसिस करके वो 4 प्रोडक्ट्स मेरे लिए प्रेस्क्राइब किए कि आप ये चारों लगाइए और इससे धीरे धीरे रिकवर होगा, आपका स्किन बहुत हेल्दी होगा। तो गाइस ये डॉक्टर ने रिकमेंड किया ये पूरा सेट मेरे जो स्किन है
स्किन मतलब जो प्रॉब्लम्स था उस हिसाब से इन्होंने ये एक चार फोर प्रोडक्ट्स का जो सेट है इन्होंने मुझे रिकमेंड किया और एक एक करके मैं दिखाती हूँ कि मैंने कैसे इसको यूज़ किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से ये था जेंटल फेस वॉश। ये फेस वॉश से पहले अच्छे से अपने फेस को मैं क्लीन कर लेती हूँ, सुबह शाम मैं इसको अच्छे से फेस को क्लीन करती हूँ। देन नेक्स्ट मैं क्या पुट ऑन करती हूँ वो है ये सूदिंग हाइड्रा जेल। ये जेल लगाने से ना जो रिफ्रेशमेंट मिलती है ना, जो ठंडक जो आराम मिलती है ना, वो मतलब आप एक बार यूज़ करोगे फिर आप समझ सकते हो कि जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो कितना मतलब अच्छा है। तो ये हाइड्रा जेल है, बेसिकली इसमें सीवीड बीटन वाइट टी भी है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, मतलब स्किन को रिपेयर भी करता है साथ साथ हेल्दी भी रखता है। साथ ही इसके साथ मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था एक मिनरल सनस्क्रीन जेल। गाइज आप लोगों को पता ही है कि सनस्क्रीन कितने ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये जो सनस्क्रीन है ना इसमें भी जिंक ऑक्साइड और विटामिन ई है, तो विटामिन आप लोगों को पता ही होगा कि कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा इसका जब मैंने देखा सारा इंग्रेडिएंट्स। साथ ही जो मेन प्रोडक्ट है ना मेरे ये जो डार्क सर्कल्स के लिए, ये वाला तो भाई जैसे जादू है। तो ये रहा मेरा क्योर स्किन का अंडर आई जेल। ये देखिए ब्राइटेंस एंड रिपेयर्स, मतलब ब्राइट भी करता है स्किन को एंड साथ ही रिपेयर भी करता है। तो इसमें हाइलुरोनिक एसिड, कैफीन एंड पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स गाइस आप लोगों को पता है कि कितना ज़्यादा अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए। साथ ही हाइलुरोनिक एसिड, आजकल तो हाइलुरोनिक एसिड के सीरम्स अलग से मिलते हैं बट ये अंडर आई के लिए ना साथ में ही है। तो ये मतलब ये जैसे जादू है मेरे फेस के लिए, क्योंकि जब प्रेगनेंसी के टाइम में जब तितली थी तो बहुत ज़्यादा मेरा फेस डल हो गया था। तो धीरे 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 जैसे ये मैं लगाती गई, आफ्टर टू मंथ्स टू दो ढाई महीने के बाद मैंने देखा कि नहीं सही में इट इज़ वर्किंग एंड इट इज़ मैजिक। एंड गाइज खास बात यह है कि आप लोग को 100 रुपीज़ ऑफ भी मिलेगा अगर आप लोग जाके इसे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। तो हमारा कोड है PRASOON100100। ये वाला कोड डालते ही आप लोग को 100 रुपीज़ ऑफ भी मिलेगा गाइज। और मैं बताऊँ तो ये वैल्यू फॉर मनी है, मतलब वर्थ मनी, मतलब कोई मतलब आप लोग आँख बंद करके ना ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो और रिजल्ट भी देख सकते हो। मैं पक्का बता रही हूँ कि आप लोग को विजिबली रिजल्ट भी मिलेगा, बहुत ट्रस्टेड है। एंड गाइज ये जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं ना आप, इसके साथ साथ चलने के प्रोडक्ट्स मतलब जब लगा रहे उसके दौरान भी आप लोग डर्मेटोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं। देखा जाए तो गाइज आजकल हम लोग जब डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो लोग के पास फीस देना पड़ता है, बट यहाँ क्योर स्किन में ये टोटली फ्री है। दिस वन इज़ टोटली फ्री, कोई पैसा नहीं लगता है। आप हम लोग जितना मन चाहे जो भी प्रॉब्लम्स है जब चाहे तब डर्मेटोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं। और साथ में ना डर्मेटोलॉजिस्ट हम लोग को एक डाइट प्लान भी देते हैं, जैसे कि क्योर स्किन के अभी ये चारों जैसे मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ तो उन्होंने मुझे एक डाइट प्लान भी दिया है कि क्या पीना है, क्या खाना है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर पीना है, वो भी बताती है। तो आप लोग यहाँ से जाके क्योर स्किन ऐप से जाके इसको फटाफट से डाउनलोड कीजिए। जो कूपन कोड मैंने यहाँ पे डाला हुआ है PRASOON100100, इससे जाके अपना कूपन कोड डाल के आप लोग अपना परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही गाइज मैंने जो क्योर स्किन का ऐप का लिंक है ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, साथ ही मैंने इसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। आप लोग जाके यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और सुंदर दिख सकते हैं। फैमिली तो अभी घर पे आ गए, मस्त थोड़ा बहुत रिलैक्स हो गए। और जो एक्चुअली क्या हुआ था ना, मतलब हम लोग कभी जर्नी नहीं किए हैं कार से इतना लॉन्ग डिस्टेंस। वैसे तो जर्नी किए हैं जैसे पहाड़ वहाड़ पे जाना ये सब, तो पहाड़ पे जाते हैं तो स्नो दिखता है ये दिखता है, एक्साइटमेंट तो लगता है। बट इस बार था कि घर आ रहे हैं और मतलब नॉर्मल हाईवे था, तो था कि भाई इतना लॉन्ग जर्नी कब ख़त्म हो कब ख़त्म हो, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अब बस ख़त्म होने वाला ये जर्नी ये ट्रिप और अब घर जाके फिर से अपने काम काज पे लग जाना है। तो ऐसे चल रहा था बट भैया भाभी से जब उतर रहे थे कार से तो थोड़ा सा मन अजीब सा हो गया था कि इन लोग के साथ भी अब मतलब एक पहले होता था कि अब पहले अम्बाला रहते तो था कि चलो फिर से वापस आना है, बट अब क्या होता है ना नहीं अब ख़त्म फिनिश, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। जल्दीबाजी में हम लोग शूट भी नहीं कर पाए क्योंकि बस पकड़ना था और लगेज उतार रहे थे तब तक जल्दी जल्दी बस भी आ गई थी, ठीक से बाय भी नहीं बोल पाए। बट भैया भाभी को मैंने अभी तक कॉल भी नहीं किया है, बट कॉल करेंगे थोड़ा सा फ्री हो के अच्छे से। वो लोग भी बहुत थके हुए हैं गाइस, वो लोग तो हमसे ज़्यादा, क्योंकि नॉन स्टॉप मतलब आई थिंक घरभोज के टाइम से ही वो लोग नॉन स्टॉप इधर उधर काफ़ी ज़्यादा उन लोग का एक्टिव शेड्यूल रहता है।
बट अभी घर आ गए हैं हम लोग, तो बहुत सारा काम है। जैसे कि अभी मेरे जो छोटे वाले देवर हैं वो जा रहे हैं केदारनाथ, तो वो अपने पूरे पैकिंग शैकिंग में लगे हुए हैं। और साथ ही क्या है कि उनको भी थोड़ा बहुत पैकिंग शैकिंग करवाना है। और जो और एक मेरे देवर है उनका थोड़ा सा तबीयत खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है, तो बस अब पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है, सब संभालना, स्कूल, शॉप, बाबू को सब कुछ, मतलब क्योंकि एक जन तो 15 डेज का वो लॉन्ग टूर पर जा रहे हैं और उनका तबीयत ही खराब है, तो इनको ही अब देखना होगा सब कुछ, तो थोड़ा बहुत समझना वगैरह होगा। ताकि अभी मम्मी आए तो जल्दी जल्दी, तो मम्मी जी ने बहुत अच्छे टेस्टी खाना वगैरह बस भी बनाया था, तो खाना वगैरह खाए और घर का खाना खा के थोड़ा सीखूँ। वैसे तो वहाँ पे भी बट एक होता नहीं है जहाँ जो चीज़ आदत से पड़ी रहती है, तो वो चीज़ ऐसा लगा कि चलो भाई हाँ घर आ गया है। तो जैसे ही हम लोग वहाँ भैया के कार से उतरे और जैसे बस में चले, भाई साहब जो झमाझम बारिश एकदम से, और अभी भी बारिश होए जा रही है। मतलब मम्मी कह रही है कि तुम लोग बारिश ही लेके आए हो क्या, क्योंकि उससे पहले बारिश बिल्कुल भी नहीं थी। पीछे मेरा पर्स अभी भी टंगा हुआ है, तो जा रही इसको भी रख ले।